नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो कुछ ऐसा जरूर कर देते हैं जिसके बाद उन्हें ट्रोल होना पड़ता है। पिछले दिनों ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा सरकारी कार्यक्रम में विभाग के सचिव का पैर पकड़ने का एक वीडियो वायरल हुआ, तो कल यानी कि 10 जुलाई को एक बार फिर से मुख्यमंत्री का पुल निर्माण कर रहे कंपनी के ठेकेदार का पैर पकड़ने का वीडियो वायरल होने लगा है, जिसके बाद से मुख्य विपक्षी दल RJD मुख्यमंत्री के इस व्यवहार पर तंज कसने में लगा हुआ है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो पुल बनाने वाले ठेकेदार के निजी इंजीनियर के पैर पकड़ने के लिए आतुर हैं। तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। बिहार में एक और पुल ध्वस्त होने को लेकर तेजस्वी यादव ने लिखा है कि बिहार में विगत 3 हफ्तों में अब तक केवल और केवल बस 16 ही पुल गिरे हैं। इन सदाचारी पुलों के गिरने में सरकारी भ्रष्टाचार, 18 वर्षों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और BJP की कहीं कोई गलती नहीं है, है ना? 18 वर्ष शासन करने के बाद भी सब दोष तो विपक्ष का ही है। ऐसी तमाम खबरों और जानकारियों के लिए देखते रहे इनसाइडर लाइव।